सुबह से हलीम आदिल शेख की जो एक्टिविटीज़ थी आपने अपनी आंखों से देखी हैं। एक तो वैसे ही उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन खैर इलेक्शन कंपेन थी, वो जा रहा था, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन से पहले भी जाता रहा, हमने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया, आज भी जाता रहता शायद हम एतराज़ नहीं करते। लेकिन बदमाशी करने की, गुंडागर्दी करने की, दहशत फैलाने की, फायरिंग करने की, लोगों को ज़ख्मी करने की, वोटिंग के अमल को रोकने की कोशिश करने की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती है। तो हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चलें देर से ही सही एक हुक्म जारी फरमाया कि इनको निकाल दिया जाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ख़ुद भी इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ख़ुद, DRO को ख़ुद, पुलिस को दरख्वास्त देनी चाहिए कि जो चीज़ें वीडियो क्लिप्स में मौजूद हैं, जिस तरह वो मुसल्ला लोगों के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में दनदनाता फिर रहा था, जिस तरह वो पुलिस के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, जिस तरह वो पोलिंग के अमले के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, ये DRO की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम इकदाम को सामने रखते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो करवाएँ। अगर वो नहीं करवाते हैं और ये सिर्फ दिखावे के लिए खत जारी कर दिया गया है, तो फिर ये हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा था और इसका कोई मकसद नहीं था।